नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उत्तम। आज की वीडियो में Realme C31 स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, प्राइजिंग, लॉन्च डेट सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये एक बजट कैटेगरी का एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने वाला है, जिसके अंदर हमें काफ़ी प्रीमियम और अट्रैक्टिव डिजाइन मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, अच्छा डिस्प्ले, कैमरा और यूनिसॉक का प्रोसेसर मिल जाता है। तो फ्रेंड, बिना किसी देर करते स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग शुरू की जाए। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लेटेस्ट स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और ढेर गिवअवेज लाता रहता हूं। तो फ्रेंड, जैसा आप लोग देख सकते हैं, मेरे सामने ये Realme C31 का बॉक्स है। इसको ओपन करने के बाद ये स्लाइड होकर ओपन हो जाता है। इसके ऊपर हमें एक पतली सी लिड मिल जाती है। इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर हमें सिम इजेक्शन पिन और उसके साथ हमें कुछ पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। उसके बाद ये प्यारा सा हमारा स्मार्टफोन है, पूरे से प्लास्टिक रैप। इसके ऊपर हमें Realme C31 की ब्रांडिंग मिल जाती है, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद हमें एक 10 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है और हमें एक माइक्रो एसबी केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए। फ्रेंड्स, ये सभी हैं बॉक्स कंटेंट, इसको रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं मेरे अपने स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन के ऊपर से इसके प्लास्टिक को रिमूव करने के बाद और स्मार्टफोन के डिज़ाइन की बात की जाए तो पीछे हमें रेक्टेंगुलर शेप में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड में हमें Realme की ब्रांडिंग और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है और फ्रंट में हमें वाटर ड्रॉप लॉन्च स्टाइल के अंदर डिस्प्ले देखने को मिलता है। फ्रंट में स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की बात की है, इसके अंदर हमें 6.5 इंचेस की HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिलता है और इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 11 के साथ Realme UI 2 का सपोर्ट मिल जाता है। और इसके प्रोसेसर की बात की है, इसके अंदर हमें यूनिसॉक टाइगर T612 एक 12 नैनोमीटर बेस्ड ऑक्टाकोर CPU देखने को मिलता है। उसके साथ हमें माली का G57 GPU मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये एक बजट कैटेगरी का एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने वाला है, जिसके अंदर हमें एक यूनिसॉक का एंट्री लेवल प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम डे टू डे के सभी टास्क, नॉर्मल गेमिंग, छोटे मोटे गेम्स, मल्टीमीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये स्मार्टफोन 3GB 4GB रैम के अंदर अवेलेबल होगा। स्मार्टफोन के अगर मेन कैमराज की बात की जाए तो रेयर में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। मेन से कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलता है, उसके साथ हमें 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है और फ्रंट में हमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप उस कैमरा सैंपल देख सकते हैं जो इस स्मार्टफोन से लिए गए हैं और इसका मेन कैमरा ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है। बजट कैटेगरी के अंदर इसके अंदर हमें वहीं सिंपल और एक डिसेंट कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है और माइक्रो और डेप्थ कैमरा यूजलेस हैं, केवल कैमराज के नंबर बढ़ाने के लिए हमें मिल जाते हैं और फ्रंट कैमरा भी एक डिसेंट परफॉर्म करता है। और स्मार्टफोन के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ सभी जरूरी सेंसर्स मिल जाते हैं। और स्मार्टफोन की अगर बैटरी की बात की, इसके अंदर हमें 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है जो 10 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। और स्मार्टफोन की प्राइजिंग और लॉन्च डेट की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 31 मार्च को फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च हो रहा है और इसकी प्राइजिंग लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये के आसपास होने वाली है बेस वेरियंट की। तो फ्रेंड, अब स्मार्टफोन की ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए, फ्रेंड्स, इस प्राइस कैटेगरी के अंदर बजट कैटेगरी का एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अंदर हमें एक डिसेंट कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, लेकिन ये डिज़ाइन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव और नया लगता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है जो काफ़ी लेटेस्ट है। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि आपको स्मार्टफोन के बारे में सभी डिटेल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई सवाल नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।